दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कंपनी से वाइडिंग होके सीलिंग फैन आते हैं उनके कितने एम्पेयर होते हैं। आज मैं आपको नाप के उनके एम्पेयर बताने वाला हूँ। तो मेरे पास उषा कंपनी का सीलिंग फैन है तो उसके मैं आपको एम्पेयर बताने वाला हूँ कि वो कंपनी से रिवाइडिंग हुआ है तो इसके एम्पेयर कितने हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही हमेशा मिलती रहे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये उषा कंपनी का सीलिंग फैन है और आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी से रिवाइडिंग है तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए कलर जो वायर है वो कंपनी से ही है, मैंने इसमें सिर्फ बैरिंग चेंज किए हैं। तो अब मैं आज इसका जो एम्पियर है कितना एम्पियर है वो आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि इसका जो कैपेसिटर है वो भी देखिए उषा कंपनी का इसमें लगा है और वो कितना MAPD का वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 2.25 MAPD का इसमें कंडेंसर लगा है और उषा कंपनी का इसमें कैपेसिटर भी उषा कंपनी का ही है। तो अब मैं इसका जो एम्पेयर है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा मीटर जीरो बता रहा है तो मैं ये पिन लगाने वाला हूँ। यहाँ पे पिन लगाने के बाद इसे ऑन कर देते हैं। अब देखते हैं कि सीलिंग फैन चल चुका है। अब आपको मैं एम्पेयर इसके दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए 0.26 एम्पेयर ये ले रहा है, ये देखिए 0.26 एम्पियर और स्पीड भी अच्छी आ रही है ये देखिए। तो दोस्तों मैंने इसमें बैरिंग चेंज किए हैं ओनली और कंपनी से जो रिवाइडिंग है वही है और कैपेसिटर भी वही कंपनी का इसमें लगा है। तो इसका एम्पियर आप देख सकते हो ये देखिए। तो दोस्तों जो कंपनी से रिवाइडिंग है वो इतने एम्पियर लेके चलता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे पास एक ओरियंट सीलिंग फैन है उसको मैं रिवाइडिंग कर रहा हूँ तो उसके भी एम्पियर मैं आपको रिवाइडिंग करने के बाद दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको पता लग चुका होगा कि जो कंपनी से सीलिंग फैन रिवाइडिंग वो के आते हैं वाइडिंग वो के आते हैं वो कितने एम्पियर लेके चलते हैं। तो मैं आपको मेरे पास अभी ओरिएंट का है दोस्तों, ये है ओरिएंट का, आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसकी मैं रिवाइडिंग कर रहा हूँ तो इसके भी जो दोस्तों एम्पियर है वो आपको मैं बताऊँगा कि ये मैंने जो रिवाइडिंग करने के बाद कितने एम्पियर ले रहा है। तो ये ओरिएंट है तो इसका जो स्टेटर है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसका स्टेटर है, मैं स्टार्टिंग में डाल चुका हूँ और जो रनिंग डालने के बाद इसको फिटिंग करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा। दोस्तों इन सीलिंग फैन को फिटिंग करेंगे तब आपको मैं इसका एम्पियर बताऊँगा। तो अभी तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से एम्पियर पता लगाते हैं और जो रिवाइडिंग करने के बाद आपको एम्पियर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। आपको समझ आ चुका होगा कि जो कंपनी से वाइडिंग होकर सीलिंग फैन आते हैं वो कितने एम्पियर लेके चलते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल रियल होता है, उसमें बिल्कुल भी फेंक नहीं होता है। तो दोस्तों जो मैं ओरिएंट का सीलिंग फैन रिवाइडिंग कर रहा हूँ उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।